इधर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उन्नाव केस पर कहा कि यह सड़क हादसा है या साजिश, इसकी इंक्वायरी हो रही है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। बाकी विपक्षी दल और उन्नाव मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। उन्नाव केस को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, इनसे बात करते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी लोग संसद में हंगामा कर रहे हैं और यूपी सरकार पर सही कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो भी हंगामा कर रहे हैं, इनके पीछे का इतिहास उठा करके देखेंगे तो ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और यूपी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता आई है, लगातार दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था पे सुधार और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सरकार कहीं पीछे नहीं हटती। अब ये सड़क हादसा है या साजिश है, इसकी उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच, ये सब में दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी पर भी कठोर कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटते। विपक्षी दलों का ये भी आरोप है, जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, वो आज भी बीजेपी के साथ हैं। क्या कुछ कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इसमें जितने आरोपी थे जिनके खिलाफ FIR लिखी गई, सारे जेल भेजे जा चुके हैं। ड्राइवर भी पकड़ा गया, जेल भेजा जा चुका है। विधायक ऑलरेडी जेल में है। तो ये तो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं लोग, विपक्ष के लोग। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक कर्मयोगी के हाथ में प्रदेश की सत्ता है। बिना किसी भेदभाव के जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो करने में मुख्यमंत्री जी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप सुन रहे हैं नंदी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परिवार ने सीबीआई की अगर मांग की तो सीबीआई जांच भी करवाएंगे। जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, बीजेपी का यही कहना है कि वो लोग इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवराज सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।